हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मटर के कोफ्ते की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्यूरी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे दो प्याज लिए मीडियम साइज़ के, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली है, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है और 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के। तो अब हम यहाँ पर सूखे हुए मसाले देख लेते हैं। 1 बड़ा पत्ता तेज़पत्ता, काली मिर्ची, लौंग, दालचीनी और 1 बड़ी इलायची। मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, उसके अंदर यहाँ पे जो हमारे ड्राई स्पाइसेस हैं उनको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सोटे कर लूँगी। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारे जो भी मसाले थे, जैसे अदरक वगैरह और प्याज और टमाटर। मैंने प्याज और अदरक, लहसुन और टमाटर को यहाँ पे मोटा ही रहने दिया था, क्योंकि बस हमें यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए कुक करना है और इसके बाद हम इसको ब्लेंडर में डाल के इसका प्यूरी बनाएंगे। तो बस हम इसको जब तक कि ये कुक हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे टमाटर वगैरह और प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, बस इतनी देर के लिए हम इसको यहाँ पे कुक करेंगे। और कुक होने के बाद हम इसको ठंडा होने के बाद इसकी प्यूरी बना लेंगे। तो ये हमारे प्यूरी के इंग्रेडिएंट्स हैं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर रफली ही चॉप किया है, क्योंकि हम इसका यहाँ पर प्यूरी ही बनाने वाले हैं ब्लेंडर में डालने के लिए। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाए। मैं आपको कोफ्ते के इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। 1 कप मैंने हरी ताज़ा मटर ली है, 1 प्याज जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था यहाँ पर, और 2 हरी मिर्ची और हरा धनिया, और यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए पोटैटोज़ जिनको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया अच्छे तरीके से, और ये हमारे ड्राई स्पाइसेस हैं जिसमें नमक, मिर्ची, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और ये अदरक लहसुन है जिसका हम पेस्ट बना के इसके अंदर डालेंगे। मैं इसको मोटा मोटा ही पीसूँगी अदरक लहसुन को। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आलू लूँगी मैश किए हुए। इसके अंदर हमारे जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिक्स करेंगे हम यहाँ पर। मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिए, हरा धनिया और हरी मिर्ची मैं यहाँ पे डाल रही हूँ यहाँ पर। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो मैंने आपको मटर बताई थी, तो उसको मैंने यहाँ पर ब्लेंडर में डाल के थोड़ा मोटा सा दरदरा सा ही पीस लिया था। इस बिना पानी के मैंने इसको पीसा था, क्योंकि अगर आप पानी डाल देंगे इसमें तो ये थोड़ा इसका आपका जो बनेगा मिक्सचर ये थोड़ा पतला हो सकता है। और अब मैं यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, इसको भी मैंने बारीक नहीं पीसा, मोटा ही पीसा है। और ये जो भी हमारे ड्राई स्पाइसेस थे इन सबको भी मैं अब यहाँ पे डाल लूँगी, और अब इन सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैं यहाँ पे बताना भूल गई, पर यहाँ पर हम 2 से 3 चम्मच बेसन के भी डालेंगे, रोस्ट किए हुए बेसन की। और ये कोफ्ते हमारे बन के तैयार हैं। इसको आधे घंटे के लिए आप फ्रीज में रख दीजिए, उसके बाद ही फ्राई करिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक पैन ले लेते हैं, उसके अंदर 2 चम्मच तेल डाल के 1 चम्मच मैंने ज़ीरा डाला है। इसकी हम अब यहाँ पे प्यूरी बनाएंगे। जब ज़ीरा अच्छे से हो जाए तो उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे जो हमारा प्याज, लहसुन और टमाटर का जो प्यूरी हमने बना के तैयार किया था उसको मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पर। और इसको हम थोड़ी देर के लिए कुक होने देंगे, कम से कम 3-4 मिनट तक के लिए आप इसे कुक होने के लिए रख दीजिए। थोड़ी देर के बाद मैं आपसे मिलती हूँ 2-4 मिनट के बाद। ये देखिए तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। इसके अंदर मैं यहाँ पे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची और टेस्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट हम यहाँ पे नमक डाल देंगे। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कीजिए और आप कुक होने के लिए इसे रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका जो ऑयल है वो थोड़ा सेपरेट हो जाए ये प्यूरी के अंदर से। तो मैं आपसे मिलती हूँ 2 से 3 मिनट के बाद। हम यहाँ पे इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पे पानी। ये मैंने थोड़ा मिक्सचर को ही इसके अंदर पानी डाल लिया था और ढक के मैं हम इसको यहाँ पे अब कुक होने देंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं प्योरी में से ऑयल सेपरेट हुआ है, इसका मतलब हमारी जो प्योरी है वो कुक हो गई है यहाँ पर। बट अभी भी हम इसको थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे, ये टोटली कम्प्लीटेड कुक नहीं हुई है। 2 से 3 चम्मच मैं यहाँ पर फ्रेश क्रीम ऐड करूँगी। आप चाहें तो घर की मलाई भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। इसको डालने से इसका प्यूरी का जो कलर होगा ये थोड़ा लाइट हो जाएगा और आपकी जो प्यूरी है इसको एक थिकनेस और रिचनेस मिलेगी। ये डालना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी की वजह से आपकी प्यूरी को एक थिकनेस मिलेगी। आप चाहें तो काजू का पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट मैंने कुक किया, उसके बाद आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो गया। अब मैं यहाँ पर कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ टेस्ट के लिए, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है।
तो हमारे जो प्यूरी है ये बनके तैयार है। अब बस हम कोफ्ते हम बस सर्व करते टाइम ही बाउल में निकालेंगे और प्यूरी ऊपर से डाल देंगे। कोफ्ते ये देखिए आप मैंने यहाँ पे सर्व कर लिए हैं, और मैं ऊपर से ही जब आप खाने के टाइम लें तो भी आप प्यूरी को इनके ऊपर से डालें। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कोफ्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी। कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने। और इन सर्दियों में आप ये हरे भरे मटर की कोफ्ते की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।